अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुफियान पेट केयर। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग आ गए हैं अपनी छत पे। आज दरअसल मैं आया हूँ, कल ही रात में आया हूँ, मैं बाहर गया था थोड़ा काम से, तो मैं वहाँ से वापसी आया हूँ आज, कल रात में मतलब आया था मैं। तो आज सुबह सुबह फिर मैं नाजिम भाई से अपने मिला, तो नाजिम भाई हमारे थोड़े खफा खफा से चल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में दो दिन से था नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गए, तो दो दिन से कुछ खा भी नहीं रहते ज़्यादा। तो आज सुबह जब मुझे देखिन तो खुश हो गए, और जानते हैं गुस्सा चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, गुस्सा दोनों को ही आता है, उनको भी आ रहा है, पतूट पटांग हरकतें करते हैं बस। अब ये जैसे देख सकते हैं रॉड के अंदर से जा रहे हैं, जबकि इतने माशाल्लाह से बड़े कि जो है रॉड के अंदर जा ही नहीं सकते। राजिम भाई रहन दे, रहन दे, निकलो बाहर, निकलो, निकल जाओ, सुन तो मेरी बात तो सुन। मैं कहीं नहीं गया था, मैं ये पीछे गया था घूमने। नाजिम भाई मिठाई खिलाई थी मैंने सुबह सुबह तुझे, बात तो सुन ले, अच्छा गुस्सा मत कर, सुन दो मेरी बात तो सुन। मैं और मिठाई खिलाऊंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो नाजिम भाई हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं एकदम ही, फुलटास वाला। इनको इग्नोर करने का मन हो रहा है क्योंकि ये गुस्सा दिखा रहे इस टाइम मुझ पर। नाजिम भाई सुनो तो, मैं मिठाइयाँ और खिलाऊंगा आपको आज रात में, शाम में नाजिम भाई और मिठाई खाएगा, ठीक है? गुस्सा नहीं करते अच्छे बच्चे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो नाजिम भाई बहल भी बहुत जल्दी जाते हैं, इनको खाने पीने का वो दो तुरंत बात मान जाएंगे। वैसे इस टाइम अब गर्मी आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गर्मी आ चुकी है, रात में ठंडी हो रही है, सुबह गर्मी हो रही है। तो अभी तो मैं इसको वहीं पर इसकी जगह पर बांधूँगा, तो उसके बाद शाम तक की इसको नीचे ले जाऊँगा, क्योंकि तो रात में ठंडी होने लगती है। और बाकी के जो था इनका दो तीन दिन जब मैं नहीं था, तो भाई था मेरा उसी ने देखा था, और कबूतर भी उसी ने देखे थे। चलिए कबूतरों का भी मैं आज ब्लॉग बनाऊँगा शाम को, जब कबूतर खुलेंगे मेरे। नहीं नाजिम भाई रहने दो, कबूतरों का भी आज शाम में ब्लॉग आएगा, शाम में या कल ही आएगा ब्लॉग आपको, जब कबूतर खोलूँगा देखूँगा मेरे कितने कबूतर बाकी हैं, कितने कबूतर गए हैं। बहरहाल जो भी हो, अभी तो हम लोग नाजिम भाई के साथ हैं, नाजिम भाई से ही बात करेंगे, नाजिम भाई को बहलाएंगे। आओ ले, ले तो तुरंत ही सुनेगा, बाकी इतनी देर से बुला रहा हो तब नहीं सुनना। नाजिम भाई मान गए तुम? मुझे लगता है जब मैं कहीं दूर से आता हूँ कहीं से भी, मुझे लगता है मेरा बकरा पतला हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप व्यूवर्स मुझे बताइएगा मेरे को ऐसा क्यों फील होता है। तो मेरा जब कहीं से भी बाहर सफ़र से होकर गया, तो एक दो दिन बाद इससे पहले भी जब बकरे पाले थे, जब मैं दूर से आकर के देखता था अपने बकरों को, तो यही फील होता था कि मेरे बकरे दुबले हो गए। बहरहाल जो भी हो, शायद से मैं दो दिन था नहीं, देखा नहीं मैंने इसको इसीलिए। खैर जो भी हो, भाई ने हमारे बहुत अच्छे से ध्यान रखा, इसका ख्याल बहुत रखा इसका, उसने अपनी पूरी कोशिश करी, तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। नाजिम भाई गेट है रहन दे, ऐसे टूटा फूटा सा गेट है मेरी दावली का, तो और ख़राब कर रहा है। और आज शाम को एक बात आप लोगों से डिस्कस करूँगा मैं कबूतरों के जानिब, वो आप लोगों से शेयर करूँगा, आप लोग बताइएगा मुझे कैसे क्या करना चाहिए। तो नाजिम भाई तो हमारे मान गए, बात भी मानते हैं, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। मेरा बच्चा गुस्सा था तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।